example. Here y is a function of y1 is a function of x1, x2, x3. y2 is again function of x1, x2, x3. Similarly this term. और हमें जैकोबियन भी कैसे निकालना है, y1, y2, y3 with respect to this term. मतलब इनको सबको इससे differentiate करना ही है. So solution लिखते वक्त क्या करोगे, from the given equation, given is y1 is equals to x2, x3, x divided by x1. And y2 is equals to x3, x1 divided by x2. Similarly, y3 is our x1, x2 divided by x3. ये तीनों आपके पास में गिवन है. Now, differentiate this all three equation, differentiate partially with respect to x1, x2 and x3. क्योंकि y1, y2, y3 ये कैसे फंक्शन ऑफ x1, x2, x3, तो ये तीनों से डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा. बिकॉज जैकोबियन अगर इसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं x1, x2, x3 के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली ये न्यूमरेटर के टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है. तो सबसे पहले वो डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे. सो हियर y1 को अगर डिफ्रेंशिएट करते पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू x1, दैट टाइम x2, x3 दिज आर द कॉन्स्टेंट. तो x2, x3 एज इट इज़, और वन अपॉन एक्स वन का डेरिवेटिव होगा माइनस वन बाय एक्स वन स्क्वेयर. वैसे ही वाई वन को अगर आप एक्स टू से डिफरेंशिएट, तो दैट टाइम हियर एक्स थ्री एंड एक्स वन एज इट इज़, एंड ये एक्स टू का डेरिवेटिव हो जाएगा वन. सिमिलरली इफ़ वी डिफरेंशिएट द वाई वन पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री, तो दैट टाइम एक्स टू डिवाइडेड बाय एक्स वन एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स थ्री इज़ वन. तो ये हो गया y1 के तीनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव. सिमिलरली वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ y2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x1. अब y2 में अगर x1 से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये x1 का डेरिवेटिव, बाकी ये कांस्टेंट एज इट इज़. सो x3 डिवाइडेड बाय x2 एज इट इज़, और न्यूमरेटर के x1 का डेरिवेटिव होता है 1. सिमिलरली y2 वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x2. सो न्यूमरेटर का जो टर्म है दैट इज़ ए x1 and x3, these are as it is, और 1 upon x2 का derivative होगा minus 1 by x2 square. Then third one is y2 derivative with x3, it is equals to x1 divided by x2. वैसे ही जैसे ये y1 y2 को किया है, similarly if we find the derivative of partially derivative of y3 with respect to x1, so it is a हियर x1 इज कंटेन इन न्यूमरेटर, सो x1 का डेरिवेटिव, बाकी x2 डिवाइडेड बाय x3 एज इट इज़. सो x2 डिवाइडेड बाय x3 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ x1 इज 1. y3 पार्शियल डेरिवेटिव विथ x2, सो इट इज़ ए x1 डिवाइडेड बाय x3, एंड द डेरिवेटिव ऑफ y3 विथ रिस्पेक्ट टू x3 इज इक्वल्स टू माइनस x1 x2 डिवाइडेड बाय x3 स्क्वेयर. बिकॉज एक्स वन एक्स टू एज इट इज़, और वन अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा माइनस वन बाय एक्स स्क्वेयर. और इसी को हमें डिटरमिनेंट में लिखना है. आइदर यू हैव टू राइट रो वाइज और कॉलम वाइज, दोनों सेम है. तो यही सब वैल्यू जो हमने निकाल के रखी, उन्हीं को अब हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट में पुटअप कर देंगे. तो हियर द डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन ऑफ वाई वन वाई टू वाई थ्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री is equals to, firstly write down the definition. So y1 lower suffix x1, y1 x2, first jo value hai it is a minus x2 x3 divided by x1 square, minus x2 x3 divided by x1 square. Second is x3 divided by x1, then x2 divided by x1. Second row की अगर values को put up करते हैं, तो यही value second rows की put up करना है. So here it is a x3 divided by x2, x1 x3 minus divided by x2 square, and here it is a x1 divided by x2. In the third row, लास्ट रो की जो वैल्यूज़ है, इट इज़ ए एक्स टू डिवाइडेड बाय एक्स थ्री, एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स थ्री माइनस एक्स वन एक्स टू डिवाइडेड बाय एक्स थ्री. दिस इज़ द डिटरमिनेंट.
अब डिटरमिनेंट को डायरेक्ट सॉल्व करो या फिर जो कॉमन टर्म है उसको कॉमन निकाल के सॉल्व करो। तो कॉमन निकाल के सॉल्व करोगे तो ज़्यादा इजीली आंसर आएगा। इसी रो वाइज चेक करो सबसे पहले कि क्या कॉमन है। तो फर्स्ट रो में अगर चेक करते तो फर्स्ट रो कंटेन 1/x1 इज कॉमन, सेकेंड रो कंटेन 1/x2 कॉमन, थर्ड रो कंटेन 1/x3 इज कॉमन। सो पहले सबसे पहले मैं कॉमन वाला टर्म निकाल लेती हूँ रो वाइज। सो सी हियर, रो वाइज अगर कॉमन निकाल लोगे तो फ्रॉम दी फर्स्ट रो 1/x1 कॉमन, सेकेंड से x2, थर्ड से x3। ये कॉमन निकालने के बाद में फर्स्ट रो देखो क्या कंटेंट रहेगा। यहाँ से अगर x1 डिवीजन से कॉमन निकाल लिए तो इट इज़ ए -x2 x3 डिवाइडेड बाय x1, देन x3, नेक्स्ट वन इज x2, देन नेक्स्ट इज हियर x3 -x1 x3 डिवाइडेड बाय x2, नेक्स्ट वन इज x1, देन हियर द नेक्स्ट इज x2 x1 -x1 x2 डिवाइडेड बाय x3, x1 स्क्वेयर x2 स्क्वेयर x3 स्क्वेयर। सो हियर फर्स्ट रो में से अगेन मैं x1 को कॉमन निकाल रही हूँ। फर्स्ट रो में से इफ़ यू टेक द 1/x1 कॉमन, सो इट इज़ ए -x2 x3, इट इज़ ए x1 x3 x1 x2। सेकेंड रो में से x2 कॉमन, सो इट इज़ ए x2 x3 -x1 x3 x1 x2। थर्ड रो में से इफ़ यू टेक x3 इज़ कॉमन, सो x3 को कॉमन निकालने की वजह से ये हो जाएगा x2 x3 x1 x3 एंड हियर -x1 x2। अब यहाँ से फिर से कॉमन टर्म निकाल सकते हो आप आउटसाइड। देखो अब क्या हो जाएगा, इफ फ्रॉम दिस कॉलम वी हैव टू टेक ट्वाइस हियर, फ्रॉम फर्स्ट कॉलम x2 x3 इज कॉमन, सेकेंड कॉलम में क्या कॉमन है x1 x3 इज कॉमन, थर्ड कॉलम में x1 x2 इज कॉमन, और डिवीजन में ऑलरेडी कॉमन वाला टर्म एज इट इज़, दैट इज ए x1 स्क्वेयर x2 स्क्वेयर x3 स्क्वेयर। सो डिटरमिनेंट में रिमेनिंग रहेगा -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। नाउ सिंप्लीफाई दिस डिटरमिनेंट। अब प्रीवियस डिटरमिनेंट से ये तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे x1 स्क्वेयर x1 स्क्वेयर, तो ये x1 का स्क्वेयर कैंसिल, x2 स्क्वेयर x2 स्क्वेयर कैंसिल, x3 स्क्वेयर कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग इज दिस डिटरमिनेंट। सो -1 इन ब्रैकेट, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम स्क्रिप्ट, इट इज़ ए -(-+1, -1) -1 इन ब्रैकेट रो और कॉलम इसके करस्पॉन्डिंग स्किप, सो -1 -1 +1। सो फर्स्ट टर्म इज 0, सेकेंड विल बी -2, इट इज -(-+2, 2), दैट इज ए 4। सो दिस इज द आंसर ऑफ जैकोबियन ऑफ। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।